नेम एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट ईयर लेक्चर. और आज हमारा टॉपिक है जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फंजाई. सबसे पहले क्लास हम ये डिस्कस करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है. हम डिस्कस कर चुके हैं रिप्रोडक्शन एंड फंजाई और वो हम पढ़ चुके हैं एसेक्सुअल, जिसमें हमने स्पोर्स पढ़े, बडिंग पढ़ी, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन एक्सेट्रा. आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो आपने फोकस करना है कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, यानी रिप्रोडक्शन दोनों ही है लेकिन दोनों में फर्क क्या है, एक सेक्सुअल है एक एसेक्सुअल है. तो वर्ड पे फोकस करते हैं कि एस जो आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं. दैट मीन इस वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि ये इसमें क्या चीज है, सेक्स, ठीक है. तो ऐसी रिप्रोडक्शन जिसके अंदर सेक्सेस इन्वॉल्व होंगे, यानी गैमेट्स इन्वॉल्व होंगे, उस रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मैंने यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं जो आपको लाजमी इसका अंडरस्टैंड होना जरूरी है, क्योंकि जो आगे जितनी भी रिप्रोडक्शन और आप पूरे के पूरे पढ़ेंगे इसके साइकिल्स बन जाएंगे, तो उनमें ये सारी टर्मिनोलॉजी जो है वो रिपीट होंगी. आज उनके ऊपर फोकस करें. सबसे पहले मैंने लिखा आपके पास कि इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर टू पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं. कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं? टू पेरेंट्स इन दैट टू बॉडीज लाइक फादर एंड मदर, ठीक है. या फिर हो सकता है कि कुछ ऐसी होगी दो के दो आपके पास होंगे, एक जैसे पेरेंट्स होंगे यानी उनकी बॉडीज होंगी, वो हम डिक्लेयर नहीं कर सकते कि फादर एंड मदर है, लेकिन उनके पेरेंट्स से दो डिफरेंट बॉडीज होंगी तब भी हम उनको क्या बोलेंगे, उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन हो रही है वो कौन सी है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फिर हमने यहाँ पे की पॉइंट लिखा कि इसमें कितने गैमेट्स इन्वॉल्व होंगे, टू गैमेट्स इन्वॉल्व से मतलब है कि आपके पास एक है और उसके साथ क्या फ्यूज होगा, स्पर्म. ये आपके पास टू गैमेट्स हैं और ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, हम इनको लिखते हैं दैट मीन ये क्या है, हैप्लॉइड है. और हैप्लॉइड जो होते हैं उसमें क्या होगा, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. तो जब ये एन प्लस एन होगा नेक्स्ट उसमें, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये टू एन. नेक्स्ट आपके पास जो सेल डेवलप होगा जिसको हम जाइगोट बोलते हैं, उसके अंदर कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ होगा, यानी उसके जीन्स क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे. तीसरे टर्म के बारे में आते हैं जिसका मैंने लिखा है क्लास के फर्टिलाइजेशन. अब आपको पता है कि दो गैमेट्स हैं, दो गैमेट्स अलग अलग हैं. जब ये दोनों गैमेट्स आपस में मिलते हैं, लाइक हम कह देते हैं कि एग है और इसके साथ स्पर्म है, फ्यूज होके नेक्स्ट जो बना है आपके पास सेल, वो एक डिप्लॉइड सेल है. ये दोनों क्या थे, हैप्लॉइड थे. इनसे जो बना हुआ आपके पास क्या है, वो डिप्लॉइड है. अब इन दोनों का फ्यूजन जो है, आपस में मिलना जो है, वो क्या है आपके पास, फर्टिलाइजेशन. हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे क्लास, दैट मीन इट इज द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के रिजल्ट में क्या बनेगा, एक नया सेल बनता है जिसको हम नाम देते हैं जाइगोट. जाइगोट आपके पास क्या होगा, वो डिप्लॉइड होगा, डाइप्लॉइड भी बोल सकते हैं. जाइगोट डाइप्लॉइड कैसे होगा, कि उसके अंदर टू सेट्स क्रोमोसोम्स के कंप्लीट होते हैं. टू सेट्स कंप्लीट होने का मतलब है कि वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन में, जिसमें वो जा रहा है नेक्स्ट इंडिविजुअल को बनाने के लिए, उसके अंदर जो जितना जीन्स है या क्रोमोसोम है वो कंप्लीट होते हैं. मैंने फोर्थ की पॉइंट लिखा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फ्यूजन के बाद उसमें क्या बनता है, जाइगोट डेवलप होता है. अब जाइगोट क्या चीज है वो मैंने आपको बताया, दोनों जो भी हैं आपके पास गैमेट्स वो फ्यूज होते हैं, तो जो रिजल्टेंट सेल बनेगा वो हमें हमेशा क्या होता है, वो जाइगोट होता है. और उसकी जो अमाउंट है सेट्स की, वो क्या होती है, टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो कंप्लीट होते हैं. क्लास अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ जाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने क्लियर कर लिया. अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई के अंदर कैसे होती है. ये बात माइंड में रखनी आपकी कि फंजाई के अंदर बॉडीज तो दो इन्वॉल्व होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बट उसके अंदर जो गैमेट्स की फॉर्मेशन है वो नहीं होती. तो थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट्स भी बन सकते हैं. तो हम ये देखते हैं कि इसमें दो बॉडीज इन्वॉल्व हैं तो भी हम इसको क्या नाम देते हैं, इसके अंदर क्या हो रही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है. तो इसमें दो चीजें आपके पास, फंजाई को फॉलो करना लाजमी है जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. फर्स्ट कि वो क्या होना चाहिए, उसमें जो न्यूक्लियस है उसके सेल के अंदर पाए जाने वाला वो क्या होना चाहिए, हैप्लॉइड होना चाहिए. हैप्लॉइड से मुराद मैंने आपको कहा कि क्या है, एन. दैट मीन इसमें हाफ नंबर क्रोमोसोम का, और हाफ नंबर क्रोमोसोम का है तो हाफ नंबर आपके पास अगर इसके अंदर मौजूद होगा तो उसको हम बोलेंगे वन सेट क्रोमोसोम्स का इसके पास होगा. अगर वन सेट क्रोमोसोम का इसके पास मौजूद है तो क्लास आपने माइंड में रखना है, एक्सपोज कर लेते हैं वैल्यू कि लाइक आपके पास एक फंजाई है जिसके पास फाइव क्रोमोसोम है, ठीक, ये एक फंजाई है. इसी तरीके से सेकंड फंजाई है जिसके अंदर अगेन
ये दोनों के दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं ये दोनों आपस में मिलेंगे तो आपके पास ये हैप्लॉइड है, नेक्स्ट आपके पास क्या बन जाएगा, 2n। तो दोनों में क्या है, 5 क्रोमोसोम का एक सेट है। अब एक एक सेट दोनों के पास है इसलिए हम इन फंजाई को क्या नाम देते हैं, ये क्या है, हैप्लॉइड है। नेक्स्ट आपके पास एक की पॉइंट लिखा है मैंने कि जो फंजाई सेक्स रिप्रोडक्शन की तरफ जाती है उसके अंदर मायोसिस होना लाजमी है। मायोसिस क्या है कि आपके पास अगर एक सेल 10 क्रोमोसोम्स के साथ है, ठीक है, तो उसके पास से नेक्स्ट सेल जो बनने चाहिए उनमें कितने जाए, 5 क्रोमोसोम्स हैं। अगर ये 5-5 शेयर करेगा तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे, इस डिवीजन को जो एक डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड की तरफ जा रही है इसको हम बोलते हैं मायोसिस, ठीक है। तो जो फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करेगी उसके अंदर क्या होना चाहिए, मायोसिस होनी चाहिए। ये कंडीशन हमने क्लियर कर ली। अब हम चाहते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या, जो आपके पास फंजाई के अंदर होगी उसमें टर्मिनोलॉजी जो यूज हो रही है क्लास उनको क्लियर करने की कोशिश कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा कि ये जो टर्म है प्लाज्मोगैमी, यानी कि जो फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जा रही है क्लास उसने पहली बार जो करनी है दो पेरेंट्स इन्वॉल्व करके अपने पास क्या क्लियर करवाना है, जो साइटोप्लाज्म होगा उसको फ्यूज करवाना है। साइटोप्लाज्म फ्यूजन से मुराद क्या है, लेट्स आपके पास एक फंजाई ये है जिसको मैंने नाम दिया A1, ठीक। दूसरी फंजाई आपके पास ये है जिसको मैंने नाम दिया A2। अब ये दोनों जो फंजाई हैं इनके जो न्यूक्लियाई हैं इनको मैंने नाम दिया N। N आपको पता क्या होगा, हैप्लॉइड है। ये भी क्या है, N। अब ये दोनों फंजाई एक दूसरे के साथ फ्यूज कर रही है, एक A1 है एक A2 है, हमारी पहली कंडीशन क्लियर हो गई है कि इसमें कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं। अब 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होने के बाद जैसे ये दोनों फंजाई एक दूसरे के करीब आएंगी, करीब आने के बाद इन्होंने अपनी जो एक्स्ट्रा ये वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्होंने बनाई हुई है ये आपके पास इन्होंने कर लेनी है फ्यूज। जब ये फ्यूज करेंगे तो आपके पास ये दोनों एक सेल का काम करना शुरू कर देंगे और इसको हम बोलेंगे दोनों का साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गया, मिक्स हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मोगैमी। यानी इस कंडीशन को जब दो डिफरेंट फंजाए आपस में मिलते हैं और उनके जो साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाते हैं तो जो रिजल्टेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मोगैमी। हम इसको लिख लेते हैं फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म को क्या नाम देंगे, प्लाज्मोगैमी। देन मैंने एक टर्म लिखी है डाइकैरियोटिक हाइफा। आपको पता है कि जो फंजाई होती है उसकी जो बॉडी है उसके अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होते हैं उनको हम बोलते हैं हाइफा। अब यहां पे मैंने उसके साथ क्या लगाया है, डाइकैरियोटिक। डाइकैरियोटिक से क्या मतलब है, लेट्स इसको क्लियर कर लेते हैं दोबारा से। A1 दूसरी आपकी फंजाई A2, ठीक। इन दोनों के अंदर फ्यूजन हो गया, फ्यूजन होने के बाद यहां तक हमने कर लिए ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल गए, ये होगी प्लाज्मोगैमी। अब इसका न्यूक्लियाई मैंने ब्लैक डॉट लगा लिए, दूसरे का न्यूक्लियाई जो है वो रेड है। अगर ये दोनों साइटोप्लाज्म मिक्स होने के बाद एक दूसरे के करीब तो आ जाए लेकिन एक दूसरे के साथ फ्यूज ना हो, ये दोनों साइड बाय साइड पड़े रहेंगे, इस कंडीशन को, इस हाइफा को इस टाइम आप क्या बोलेंगे, डाइकैरियोटिक। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस और डाई मीन टू। एट अ टाइम एक साइटोप्लाज्म में दो डिफरेंट न्यूक्लियाई एग्जिस्ट करते हैं तो इसको आप क्या नाम देते हैं, डाइकैरियोटिक, ठीक है। हाइफा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये फंगस का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है तो हाइफा उसके साथ पहले मौजूद है इसलिए डाइकैरियोटिक हाइफा। ऐसा हाइफा, ऐसी ब्रांच जिसने एट अ टाइम दो डिफरेंट न्यूक्लियाई को अपने पास रख लिया बट उनको फ्यूज नहीं होने दिया तो उस टाइम पे उस कंडीशन को आप क्या बोलते हैं, डाइकैरियोटिक हाइफा। देन थर्ड टर्म मैंने लिखी है यहाँ पे कैरियोगैमी। गैमी का मतलब गैमेटिक फ्यूजन, न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है। कैरियोगैमी, कैरियो मीन न्यूक्लियस। अब हमने कहां जाना है, हमने तीसरे स्टेप की तरफ जाना है कि कुछ टाइम के बाद जो फंजाई है वो क्या करती है, दो डिफरेंट हाइफा के अंदर जो उसने दो डिफरेंट न्यूक्लियाई एग्जिस्ट करवाए थे उनको क्या करवाना शुरू कर देती है, फ्यूज। आप यूं समझ लें, हम इसको कलर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं कि एक हाफ ब्लैक जो एक है दूसरा हाफ जो रेड है तो दोनों के दोनों फ्यूज हो गए। अब ये आपके पास पहले ये हैप्लॉइड है, अब इस न्यूक्लियस को हम क्या बोलेंगे, 2n। हमने क्या बना लिया, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड। लेकिन
जो नेक्स्ट आपके पास फंजाए ने अपनी आप अपनी ग्रोथ अभी अपने ऑफ स्प्रिंग करने हैं, तो फिर ये टू एम से क्या करती है, मायोसिस अगेन क्या बना लेगी, हैप्लॉइड। तो इसके जो स्पोर्स होंगे वो सारे के सारे हैप्लॉइड की तरफ जाएंगे। आज हमने जो टर्म्स क्लास क्लियर की है या आपने मेमोराइज करनी हो, इसलिए क्योंकि जितनी आगे हमने इसके साइकिल पढ़ने फंजाई के चारों उसके अंदर ये बार बार यूज होंगी और आपके पास हमने इसको रिपीट करना है, तो जो चीज़ आपको एक बार क्लियर करवाई है वो दोबारा आपके पास डिस्कस नहीं होगा।